दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। लुधियाना के करीमपुर बाजार में बीते सप्ताह नगर निगम द्वारा दुकानों को गिराने के विरोध के कारण बाजार पूर्ण तौर पर बंद कर दुकानदारों द्वारा नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ नगर निगम जोन ए के समक्ष रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान करीमपुर बाजार के व्यापारियों ने चौड़ा बाजार व अन्य बाजारों से होते हुए काली पट्टियां बांधते हुए रोष मार्च निकाला। इस संबंधी दुकानदारों ने बताया कि करीमपुरा बाजार में नगर निगम द्वारा कार्रवाई को गलत ढंग से किया गया है। उनका कहना है कि नगर निगम की इस कार्रवाई में उनका लाखों रुपयों का नुकसान हुआ, जिस कारण उन्हें व उनके परिवार को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिम्मे बंद की कॉल आई सी मेयर ते कमिश्नर, ये सारी करीब घटना घटी है, ये दोनों जिम्मेवार है। जबकि मेयर ने साढ़े ना वादा किया, असी मेन मुद्दा रखे कमिश्नर से भी कमिश्नर ने आर्डर किए उन्होंने सस्पेंड किया जाए। इन्होंने थले वाले गार सीटी है, जबकि साड़ी डिमांड है मेयर चेंज होवे ते कमिश्नर नू सस्पेंड किया जाए। साड़ी सब तो वड्डी मंग यही है, इन्होंने शहर वासियों नाल धोखा किया ते शहर वासियों नू दुकानदारां नू बहुत पांच पांच लाख सात सात लख रुपए का सारे का नुकसान किया। ये सारे जिम्मेवारी असीं कमिश्नर ते मेयर ते पाने। मैं हरभजन सिंह सचदेवा प्रधान करीमपुरा बाजार, ये दसना चाहता हाँ कि जो सोमवार को कारपोरेशन वेले बंद दुकाना से ढाबा मोलिया गया है, बंद दुकाना तोड़िया गया है, मलिया मेट कर दिता गया है, उसके बारे असी रोस प्रकट करने सारे बाजार बंद करा के कारपोरेशन दफ्तर आए हाँ।